आप बोल रहे हो कि आप बरगद के नीचे जाके दे रहे थे और तब तक ये 2 महीना तक ना कोई चींटी ना कोई पक्षी, लेकिन उसके बाद से आप 2 महीना के बाद देखे कि चींटी खाने लगे, पक्षी खाने लगे। मतलब 2 महीना तक आपका प्रार्थना का स्वीकार नहीं हो रहा था। जब भी आप कोई भी पक्षियों को दाना देते हैं या चींटी के लिए देते हैं और वो लोग नहीं खाते हैं वहाँ पर मिट्टी में रहने के बावजूद, तो समझना कि आपका काम फेलियोर है, ठीक है? और जब से स्वीकार हुआ तब से 90 दिन तो कम से कम देना चाहिए। और जब आप रेगुलर करते हो एक काम को, तो वो ईश्वर के द्वारा और उन पक्षी पशुओं के द्वारा, चींटियों के द्वारा आपका भेंट नेचर, प्रकृति, निसर्ग स्वीकार करना चालू करती है ना? और अगर ये ग्रहण कर रहे हैं पक्षी पशु चींटियां, तो समझना कि ये सिम्टम है कि आपका कार्य बनेगा। और जब तक उनके हाथ वो लोग आप देने के बावजूद वो चीज़ सूख जाता था, पड़े रहता था, और ये किसी भी इंसेक्ट या किसी भी कीड़ों के द्वारा ग्रहण नहीं होता था, तो समझना कि ये आपका जो भी ये जो यज्ञ है या ये जो भी ये दान है या जो भी आप छोड़ के आते हो, वो आपका कोई भी काम का नहीं था। लेकिन जब आप रेगुलर करते हो, प्रेम पूर्वक करते हो, भक्ति पूर्वक करते हो, शरणापन्न होके करते हो, अपने दुख सुनाते हो, तभी ये जब स्वीकार होता है तो फिर समझना कि मेरा काम तो बनेगा 100%। ओके, वीरवार किसको बोलते हो आप? संडे? अच्छा, गुरुवार को वीरवार आपकी तरफ बोलते हैं, बृहस्पतिवार। हाँ देखो, ऐसा है कि बहुत सारे लोग पीपल वृक्ष में वीरवार को और संडे को 2 दिन नहीं जाने के लिए बोलते हैं, है ना? हाँ, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं देना, नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारे पीछे पीछे वो आ जाएगी और सारा खा जाएगी, है कि नहीं? अरे महाराज, सुन तो लो मेरा बात। एक बात बताओ, जब भी शनि का 7.5 ही किसी के जीवन में लगता है या शनि का महादशा लगता है, तो कौन सा बीमारी पकड़ता है आपको? दरिद्र बीमारी, धनहीनता बीमारी। तो ये बीमारी देने वाला, इस बीमारी का अधिकारी कौन है? इस बीमारी का मालकिन कौन है? अरे शनिदेव तो निमित्त मात्र हैं। शनि के ऊपर काहे सब दोष मढ़ देते हो? वो आप देखना ना, बृहस्पति नहीं, लक्ष्मी का बहन, राब नारायण का साली, विष्णु भगवान का प्रिय, विष्णु प्रिया। आप उसका नाम लेने से खाने नहीं मिलता है यार, क्या करें, नाम समझ लो। तो वो पकड़ती है आपको, तब जाके आपको गरीब बनाएगी। जब उसको आप पानी देखो, ये ऐसा है ना, आम आदमी के लिए मना किया गया कि वीरवार को या बृहस्पतिवार को या गुरुवार को, संडे को नहीं जाना। लेकिन जो खुद शनि के 7.5 ही में महादशा में पीड़ित है, धनहीनता में पड़ा हुआ है, और वो सारा करने वाले कौन ना, वही जो माता रानी वहां बैठती है कि नहीं? और इन जो लक्ष्मी का बहन, विष्णु प्रिया, विष्णु का बहन, ए विष्णु का साली, ये उरई मध्य प्रदेश में कथा करने गया था, वहां कथा करने गया, पता है ना, पूरा कथा में ना खाना मिला, ना पानी मिला, ना पैसा मिला। वो जिंदगी का पहला कथा था जहां पर उसका मैं नाम ले लिया, और उसी गांव, बोले यही उनका वास है, इसी पीपल वृक्ष में उनका जन्म और स्थान है। वो मैं यूट्यूब में मेरा गौ कथा भाई आचार्य संजय जी उरई का मैं वीडियो में है। तो इवन खाने भी नहीं मिला हम लोगों को, ठीक है ना, सूखा पूड़ी बासी रोटी यही सब खाते पीते आना पड़ा, और 1 रुपया दक्षिणा भी नहीं मिला, आज भी याद है। तो याद रखना, उस माता को जो संडे को और थर्सडे को, बृहस्पतिवार को वहां रहती है, उसको तो शांति करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे माई क्या बोला, जब बीमारी, अब एक बात बताओ, जिसको सांप काटा हो उसको सांप का जहर से ही तो ठीक किया जाता है, इंजेक्शन देते हैं। आंटी वेनम किससे बनता है? सांप के जहर से बनता है ना।
आंटी रेबिज किससे बनता है? कुत्ता का लार से ही तो बनता है। अब आप बोलोगे कि हम लोग कुत्ता कटवाएंगे या नहीं, सांप सांप बिच्छू से कटवाएं या नहीं, है कि नहीं? जो बीमार है और जिसके लिए बीमार है उसको शांति करना है, क्योंकि आपको तो शनि का पनौती लगा है ना। अब वो पनौती में पनौती से ही तो पनौती काटोगे, आग से आग को काटोगे, कांटे से कांटा को निकालोगे ना। तो ये हाँ, इसमें ऐसा कोई नहीं बात है कि आप गुरुवार को नहीं दोगे, संडे को नहीं दोगे, ये सब डरने फूलने की बात है। वही माता दरिद्रा जिसको ऊपर सदै होती है वो विष्णु भक्त होता है और लक्ष्मी का निवास होता है कि नहीं? और आप ऑलरेडी भिखारी हो और आप बोलोगे कि हम उस दिन जाएंगे तो वो माता पकड़ेगी और दरिद्र कर देगी ना, वो खुश होगी और आपका समाधान करेगी, है ना? उसी को प्रसन्न करना है। और अगर आपके मन में डाउट है, डर है, शंका है, तो फिर मत जाओ, संडे बृहस्पति बाद छोड़ दो, और आप में साहस है और उसके शरण में जाओगे, ठीक है? वो जो माँ है ना विष्णुप्रिया माता, वो लक्ष्मी से भी ज़्यादा सदैया होती है, उससे भी जल्दी वरदान देती है, ठीक है? वो बुरा नहीं है। वो लोग, ये पंडित जी लोग डरा डरा के लोगों को डरा दिए हैं कि देखो वो ऐसा है तैसा है। अरे वो उसको नहीं बुलाने से भी साढ़े साथी में आती है, देख लो। जिसके जीवन में साढ़े साथी होगा, चाहे मकर राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, चैलेंज है मेरा, उसके जीवन में ऐसे कुछ बहनें, ऐसे कुछ माताएं, ऐसे कुछ लोग आते हैं जो उनको लूटते हैं, ठगते हैं, खसोटते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनका धन लूटने के पीछे षड्यंत्र करते हैं, और धन नहीं देने से उनके नाम पे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर बना के यूट्यूब बना देते हैं। तो ये कौन है? दरिद्रा ही तो है, ठीक है? हाँ, उन्हीं के माध्यम से तो आप लूटते खसोटते हो। वो किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में आएगी और आपको कष्ट देगी। अब जब उसको पूजा करोगे, प्रार्थना करोगे, शांति करोगे, तो आपके जीवन में ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? और मैं अपने जीवन का अनुभव भी बोला हूँ। मेरे जीवन में भी जब सबसे ज्यादा कष्ट था, तो ऐसे ही एक मेरे गुरु भाई थे, वो मेरे को बोले, देखो ये नियम भूल जाओ कि संडे बृहस्पति बार, तुमको डेली जाना है, पानी डालना है, प्रणाम करना है, बोलना प्रभु तेरे पे लगा, माई मेरे को रक्षा कर, मेरे को बचा, तेरे शरण में आई हूँ, और मेरा ये दुख है, माई मेरे को कृपा कर मेरे ऊपर, तेरा कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये लक्ष्मी, विष्णु, नारायण, कृष्णा, हनुमान, ये सब तो अलग हैं, लेकिन तू तो सदैया है, तू जिसके ऊपर दया करती है उसका तो वारे न्यारे हो जाता है। तो वो विष्णु का साली है, विष्णु का अति प्रिय है, विष्णु प्रिया है, ठीक है? हाँ, अरे माता ऐसा है, एक तो यह है ना कि जो कोने में है और परिक्रमा नहीं कर सकते हो और आपके पास है तो उसको पूजा कर लो, और ऐसा बरगद कहीं ढूंढ लो या पीपल ढूंढ लो जहाँ परिक्रमा हो सकता है। वहाँ परिक्रमा आपके लिए तो बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ हैं, हाँ, परिक्रमा नहीं करोगे तो देखो, परिक्रमा ही तो है जो हमारे ओरा को, हमारे आभा मंडल को, हमारे शरीर के जो भी मैलिफिक एनर्जी है, परिक्रमा ही तो काटता है। देखो, गौ का परिक्रमा, पीपल का परिक्रमा, मंदिर का परिक्रमा, तुलसी का परिक्रमा, हमारे भारतीय हिंदू शास्त्र में तो सबसे ज्यादा बताया गया ना। और परिक्रमा में कोई पैसा वैसा खर्चा होता है क्या? नहीं ना, 108 मिनिमम। आपको जितने देखो, जब आपका शुद्धता हो तभी करना, अपवित्रता में महिलाओं को अलाउड नहीं है करना। और जो ये कह रहे हो कि मैं कभी कभार कर पाऊंगी, आप कम से कम 21 बार 108 परिक्रमा करके देख लो, फिर बोलना कि दूसरा काम धंधा कोई नहीं, यही परिक्रमा करते रहूं। और परिक्रमा करने से बहुत सारे समस्या तो समाधान होते हैं, बल्कि आपके अंदर वो ताकत मिलेगा कि आप दूसरे का समस्या हल करोगी, ठीक है? हाँ, आप 21 दिन करके देख लो, करना तो है 108 दिन 108 परिक्रमा, ठीक है? लेकिन 21 दिन करके देख लो, एक दिन करके देख लो ना, फिर मेरे को बताना 21 दिन का क्या बात कर रहे। हाँ, ये जब देखो, ये मकान, भूमि, भवन, वाहन का ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, बार बार नहीं बोल पाऊंगा। राहु को हटने दो, फिर समाधान निकलेगा। राहु जब तक भूमि, भवन, वाहन, मकान, माता, सुख, मन, चतुर्थ स्थान में है, तब तक कोई आशा मत करो,
करोगे तो धोखा खाओगे, ठगाओगे खुद बुरी तरह। मत सोचो भूमि भवन वाहन वाहन और मकान और जमीन के बारे में, अक्टूबर तक चुपचाप बैठो, सर पीट लोगे तो भी समाधान नहीं मिलेगा। हाँ, अपने अगर आपका आपका मकर राशि नहीं है तो ले सकते हो, मकर राशि है तो अभी उसके ऊपर कोई निर्णय मत करो। अभी राहु छोड़ने वाला है, 3 महीना के अंदर किसको क्या झटका देगा कोई गारंटी नहीं, ठीक है ना। हाँ, बुरी तरह झटका देगा और दे के रहेगा एकदम। 30 अक्टूबर के बाद डिसीजन लो, बुरी तरह झटका देगा, मैं एकदम चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। और उस समय देखना मेरे पास बहुत से मैसेज आएंगे, गुरुजी आप बोले थे ये हो गया वो हो गया, दिल्ली का प्रोग्राम था फिर कैंसिल हो गया ये बारिश उरिश के चक्कर में। और आशा है इसके बाद कुछ लोग मेरे को बुला रहे हैं वहाँ कथा के लिए, शनि कथा के लिए बुला रहे हैं। अगर वो लोग राज मतलब वो कोई शनि मंदिर है दिल्ली में कोई बड़ा, वो बुला बोल रहे थे कन्नौज में या, और वो तो नहीं पता मेरे को, उतना टाइम नहीं था, मेरे असिस्टेंट से बात हुआ था। तो हो सकता है अगर शनि कथा के लिए बुलाएं तो मैं आऊँगा दिल्ली, तो सभी दिल्ली वालों से मिलूंगा, मैं वीडियो दे दूंगा कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ बोल के। ओके ओके, आशा है शनि बाबा का कथा होने वाला है बोल के, वो शायद अक्टूबर तक हो सकता है ना। देखिए अगर वो लोग फाइनल करते हैं तो मैं जाऊंगा जरूर बाबा जी बन के। ठीक